इस वीडियो में हम लोग लोगो प्रोसेडियर के बारे में पढ़े थे। बताया गया था कि दो चैप्टर है, दोनों लोगो पे बेस्ड है। तो पिछले वाले जो चैप्टर हम लोग पढ़े, जिसमें के 10 पार्ट में आप लोग को बताया गया है अलग अलग टॉपिक का यूज करके, तो उसमें है कि जो बेसिक कमांड है लोगो में, जो बेसिक कमांड है, बेसिक ऑपरेशन है या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसके जो मैथमेटिकल कमांड है उनका यूज कैसे करते हैं और किन पर्पस के लिए हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस जो लोगों के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लोगो प्रोसीड्यूर। तो जैसे आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में, पिछले जो क्लास के जो टॉपिक्स है उसमें आप लोग देखे हैं कि अगर आपको एक स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर का एक कमांड लिखते हैं। तो कमांड जो है वो दो तरीके से टाइप हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कि एक तो हो गया इसका जो नॉर्मल कमांड है कि एफ डी अगर 60 साइज है तो एफ डी 60 या आरडी 90, और ऐसे करके ये टोटल 8 सेट होता है, मतलब 8 कमांड होगा, 4 सेट बनेगा दो दो कमांड का। और ऐसे करके हम लोग क्या है कि एफ डी 60 आरडी 90, एफ डी 60 आरडी 90, एफ डी 60 आरडी 90, ऐसे करके एफ डी 60 में क्या हुआ आगे गिर जाएगा, फिर टर्न करता है, फिर आगे गिर जाता है, फिर टर्न करता है, ऐसे करके ये बनता है। तो ये एक नॉर्मल कमांड है। तो इसके अलावा एक और आपको तो बताया जाता है बीपी कमांड। अगर किसी भी फिगर में कोई फिगर है, उस फिगर का कोई कमांड, वो जो फिगर को बनाने के लिए जो कमांड आप लोग लिख रहे हैं वो कमांड अगर रिपीट हो रहा है, कमांड का जो सेट है वो अगर रिपीट हो रहा है, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अभी एफडी 60 और आरडी 90, और आप लोगों को पता है इसके बाद जो जैसे कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में जितने भी साइड है वो सभी साइड इक्वल है, तो वो जो स्टेप होगा वो सेम हो जाएगा। एफडी 60 आरडी 90 राइट साइड, फिर यहाँ पे राइट साइड, फिर ये राइट टर्न टर्न करते हैं तब जाकर के वो आपको स्क्वायर बनता है। तो उसको हम लोग रिपीट कमांड की सहायता से कर सकते हैं। ऐसा कोई कमांड, ऐसा कोई फिगर जिसके कमांड का जिसके जिसमें कमांड बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम लोग रिपीट कमांड की सहायता से भी कर लिख सकते हैं। उसका एक तरीका होता है, रिपीट लिखते हैं उसके बाद स्पेस देते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ रिपीटेशन लिखते हैं कि कितने बार आपको वो रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लोग कमांड का सेट लिखते हैं कि कौन कौन से कमांड को आपको रिपीट करना है। तो जैसे ये जो सेट है ये 4 टाइम्स रिपीट होता है, और यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे एफडी 60 स्पेस आरटी स्पेस 90, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और फिर उसको रन कराएंगे तो ये क्या होगा कि आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। ये रिपीट कमांड का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं जैसे कि आपको स्क्वायर बार बार बनाना है, तो आप ये कमांड आपको बार बार रन करना पड़ेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हम इस कमांड को किसी नाम से सेव कर दें, यानी स्क्वायर का 60 साइज का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हम किसी नाम से सेव कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि अगली बार जब हमको है वो पूरी बार पूरी कमांड को लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस नाम से मान लीजिए कि यहाँ पे sqr नाम से सेव कर दिए, सपोज करते हैं कि अगर इस कमांड को sqr नाम से अगर सेव कर दिए, तो अगली बार हम क्या करेंगे, सिर्फ sqr लिखेंगे, इनपुट बॉक्स में इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आपका जो स्क्वायर है वो आपके आउटपुट ग्राफिक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जितनी बार चाहे आप टर्टल को टर्न करने ले लीजिए, यहाँ पे टर्टल को ले आइए और फिर स्क्वायर कमांड लिखेंगे, फिर वहां पे टर्टल बन जाएगा, टर्टल जो है वो स्क्वायर बना देगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है कमांड को किसी फिगर के कमांड को सेव करने का, इसी को हम लोग लोगो प्रोसीड्यूर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि लोगो प्रोसीड्यूर की सहायता से हम किसी भी फिगर को, किसी भी फिगर के कमांड को किसी एक नाम में सेव कर सकते हैं ताकि उसका फ्यूचर में आसानी से यूज कर पाए। तो उसी को हम लोग कमांड कैसे बनाते हैं, ठीक है, मतलब वो प्रोसीड्यूर कैसे बनता है, कैसे सेव होता है, कैसे लोड होता है, वही सब चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं प्रोसीड्यूर के बारे में। तो प्रोसीड्यूर जो है वो टोटल 3 पार्ट में होता है। प्रोसीड्यूर के 3 पार्ट होते हैं कौन कौन, पहला होता है टाइटल, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट होता है बॉडी, और तीसरा पार्ट होता है इन।
ये प्रोसीड्यूर के तीन पार्ट है, टाइटल, बॉडी, इन। टाइटल में क्या होगा, प्रोसीड्यूर को किस नाम से सेव करना है, ये होता है टाइटल। और इसको हम लोग यूज करते हैं टू नाम के कमांड से। इसके लिए टाइटल के लिए हम लोग टू नाम के कमांड का यूज करते हैं। टू लिखते हैं, ठीक है, स्पेस देते हैं, और उसके बाद फिर वहां पर आपको जो भी प्रोसीड्यूर का नाम लिखना है, आपको क्रिएट करना है, वो नाम लिखते हैं प्रोसीड्यूर का नाम। तो किस नाम से करेंगे, उसके लिए कुछ रूल है। जैसे कि आप अपने प्रोसीड्यूर में, प्रोसीड्यूर के नाम जब आप टाइटल बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, डिजिट का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट को पहले यूज नहीं कर सकते और बीच में स्पेस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हम लिखेंगे कि SQR स्पेस 5, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। SQR 5 जरूर लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, बीच में भी डिजिट हो सकता है, ऐसा भी आपका प्रोसीड्यूर का नाम हो सकता है, लेकिन डिजिट जो है वो पहले नहीं होगा। और जितने भी लोगों के कमांड है, लोगों के जितने भी प्रिमिटिव्स हैं, उन प्रिमिटिव्स को हम लोग प्रोसीड्यूर के नाम में लिखने में यूज नहीं कर सकते हैं। नाम लिखने में, कमांड लिखने में तो उसी से कमांड बनेगा, ठीक है ना। नाम लिखना है, जैसे कि प्रोसीड्यूर को किस नाम से हम सेव करेंगे। अगर आप सपोज कीजिए कि आप कोई ऐसा फिगर बनाए, फिगर का हमको कमांड इसको सेव करना है, तो ये आप इसको हट नाम से भी सेव कर सकते हैं, या होम नाम से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको फिगर नाम से FIG करके फिगर, या फिर पूरा स्पेलिंग, या फिर FIG करके भी सेव कर सकते हैं, FIG 1 करके सेव कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपका फिगर जिस तरीके का है उसी से रिलेटेड उसका नाम रहे। वैसे आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं, आप इसको फिगर 1 कर दीजिए, इसको स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप रेक्टेंगल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सर्कल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सर्कल नाम से ही सेव होगा, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका जो फिगर है वो फिगर किस नाम से सेव होना चाहिए। जो भी आपका फिगर, अगर स्क्वायर का बना रहे या सर्कल का बना रहे, ठीक है, तो उसको सर्कल लिखेंगे। अगर सर्कल पूरा नहीं लिखना चाहते, छोटा में लिखना चाहते हैं ताकि जल्दी यूज कर, जैसे कि फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म FD भी होता है, वो भी एक प्रिमिटिव है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम वो प्रोसीड्यूर की सहायता से ये समझ लीजिए कि हम भी एक प्रिमिटिव बना रहे हैं, अपना प्रिमिटिव, जो कि आपके कंप्यूटर में ही काम करेगा आपके यूज के हिसाब से, ठीक है। तो वो हम लोग टू के बाद यूज करते हैं, टू लिखते हैं, स्पेस देते हैं, और उसके बाद प्रोसीड्यूर का लिखते हैं। और ये आप लोग को बताया गया था कि कमांड लिखने में आप लोग क्या कीजिए कि कैपिटल का ही यूज करें। हालांकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव यानी क्या होता है, जैसे कि कैपिटल और स्मॉल, ठीक है, जहां पर कैपिटल लिखना है वहां कैपिटल ही लिखेंगे, स्मॉल लिखना है स्मॉल ही लिखेंगे, कैपिटल के जगह स्मॉल लिखेगा तो वो आपका सही काम नहीं करेगा। तो उस टाइप का जो रिस्ट्रिक्शन होता है उसको हम लोग केस सेंसिटिव बोलते हैं, लेकिन लोगों में ऐसा नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। आप इसको स्मॉल में भी लिख करके रन करा सकते हैं, कैपिटल में भी लिख के रन करा सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप उसको कैपिटल में ही यूज करें, ठीक है। तो टू लिखेंगे, स्पेस देंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भी कमांड है या फिगर है, फिगर नाम से हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे ये आपका टाइटल का काम हो गया, ठीक है। हम पीसी लोगों की अगर बात करें, आप लोग को जो कंप्यूटर की स्कीम बताया गया था वो MSW लोगों का स्कीम था। MSW लोगों में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें जो लिसनर स्क्रीन भी नहीं होता है, उसमें इनपुट बॉक्स होता है, आउटपुट बॉक्स होता है। लेकिन पीसी लोगों में इनपुट बॉक्स, आउटपुट बॉक्स नहीं होता है, उसमें लिसनर स्क्रीन होता है। तो लिसनर स्क्रीन होने के कारण उसमें आपको ये लोगो प्रॉम्प्ट बोलते हैं, और इसी के आगे हम कमांड को टाइप करते हैं। तो इसके आगे जैसे ही हम लिखेंगे टू, और जो भी आपको प्रोसीड्यूर बनाना है, और जैसे ही आप इंटर करेंगे वैसे ही ये लोगो प्रोसीड, ये जो लोगो प्रॉम्प्ट है उसका सिंबल जो है वो चेंज होकर के ऐसा हो जाता है। ये आपको बताता है कि आप अब प्रोसीड्यूर के अंदर हैं, अब आप प्रोसीड्यूर का कमांड लिखिए। तो ये जो प्रोसीड्यूर, मान लीजिए कि ये फिगर का आपको कमांड लिखना है, तो वो उसका बॉडी कहलाता है,
यानी जितना भी कमांड है, अगर आप फिगर लिखेंगे फिर आएगा, फिर लिखेंगे फिर आएगा, जितने भी लाइन का है। और लास्ट में क्या होता है इंड, यानी लास्ट से हम लोग इंड नाम से इसको इंड करते हैं, और जैसे ही इंड करके इंटर करेंगे आपको मैसेज आएगा, जो प्रोसीड्यूर का नाम आप लिखे थे वो आएगा फी इज डिफाइंड। फी नाम का जो आप प्रोसीड्यूर बनाए हैं वो बन गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा या नो प्रॉब्लम आ जाएगा, और अब आप स्क्रीन पर फिक का यूज करके इंटर करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ग्राफिक्स स्क्रीन है उस पर वही फिगर बनेगा जो आप कमांड यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। और जब हम प्रोसीड्यूर बना रहे होते हैं उस समय टर्टल मूव नहीं करता है, इसीलिए आप जो भी इसमें कमांड लिखेंगे वो कमांड आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगी, ये फिगर का ही ये कमांड है, ठीक है। तो ये एक बनाने का तरीका है, जिस किस चीज का, तो लोगो प्रोसीड्यूर का। तीन पार्ट होते हैं, टाइटल, बॉडी और इंड। टाइटल में प्रोसीड्यूर का नाम होता है, वो टाइटल को डिफाइन करता है, और उसके बाद उसके जो भी जो फिगर आप बनाना चाहते हैं उस फिगर का जो कमांड होगा वो बॉडी कहलाता है, और इंड एक कमांड है, प्रिमिटिव है, जिसकी मदद से प्रोसीड्यूर डिफाइन होता है लास्ट टर्म में। इंड जो है वो आपके प्रोसीड्यूर का लास्ट कमांड होता है, जो कि ये बताता है कि आपका प्रोसीड्यूर खत्म हो गया, बंद हो गया, बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटर करते हैं तो वो आपका प्रोसीड्यूर जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका तीन पार्ट है, आगे के वीडियो में हम लोग प्रोसीड्यूर को बनाना देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़िए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं।